दोस्तों, अगर आपको भी जी फंड एप्लीकेशन में द टारगेट फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट की प्रॉब्लम आ रही तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वीडियो को दोस्तों पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके वीवो फोन में वीवो का फाइल मैनेजर है, गूगल का फाइल मैनेजर नहीं है और आपके फोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड 8, 9, 10, 11, तो फिर आपके फोन में जी फोन एप्लीकेशन अच्छे से काम करेगा। और आप जब आप जी फोन एप्लीकेशन से फोन इमोजी को अप्लाई करेंगे तो फिर आपके फोन में अप्लाई भी रहेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, जिन फोन में गूगल का फाइल मैनेजर है और फोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड 12 या 13, तो आप जब जी फोन एप्लीकेशन से फोन या इमोजी को अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो प्रॉब्लम आती है द टारगेट फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट की, तो उसका सॉल्यूशन अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जी फोन एप्लीकेशन को फीडबैक देना होगा। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो आपको फीडबैक कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जी फोन एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों, जैसे आप जी फोन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फिर आपको यहाँ पे 3 डॉट पर टाइप करना है, फिर उससे आपको यहाँ पे गेट हेल्प आपको उस पर टाइप करना है। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा ईमेल का, दूसरा आएगा टेलीग्राम का। अगर आप टेलीग्राम वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे तो फिर उससे इनका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इनका टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो ईमेल वाला ऑप्शन है आपको इस पर टाइप करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना है हाई माय फोन इज़, आपको अपने फ़ोन का नेम लिखना है। फिर आपको माय फोन एंड्रॉयड वर्जन इज़, आपको अपने फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द टारगेट फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन आई एम अप्लाइंग फोन एंड iOS इमोजी फ्रॉम जी फोन एप्लीकेशन, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। आप यहाँ पर लिख के लिख सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इस पर टाइप करके यहाँ से स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को पूरी बता सकते हैं यहाँ से। फिर उससे आपको सारे ऑप्शन पे टाइप करना है तो फिर आपका जो ईमेल है उनके पास चला जाएगा। दोस्तों, जब तक अभी ना अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो फिर आपको इनको बताना पड़ेगा ही। दोस्तों, आपको दूसरा जो फीडबैक है वो आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। दोस्तों, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे जी फोन को सर्च करना है, आपको अपना फीडबैक यहाँ पे देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जी फोन एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पे जो स्टार यहाँ पे शो रहे हैं 5 स्टार यहाँ पे शो रहे हैं, आपको क्या करना है 1 स्टार पर आपको टाइप करना है। फिर आपको अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे बतानी है, इस मैंने यहाँ पे कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से देख के लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, आपको अपने फोन का नेम और एंड्रॉयड वर्जन जरूर बताना है। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे पोस्ट पर टाइप करके यहाँ से पोस्ट कर देना है। दोस्तों, जब आप पोस्ट कर देंगे तो आपको जो फीडबैक है वो जी फोन के डेवलपर को चला जाएगा और आपको ईमेल भी करना है और प्ले स्टोर भी जाकर अपना जो फीडबैक है वो भी दें। दोस्तों, जब आप फीडबैक देंगे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। दोस्तों, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, दिस इज मोहन फैजान साइनिंग ऑफ।